आज राजधानी पटना के सब्जी बाग स्थित कार्यालय में हम पार्टी के रविंद्र कुमार शास्त्री युवा प्रदेश अध्यक्ष, हम पार्टी के श्रवण कुमार महानगर जिला अध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि 22 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक बढ़ते अपराध, बढ़ते बेरोजगारी और साथ ही तमाम मुद्दों के साथ उनके विरोध में पैदल मार्च करेगी। 22 जनवरी को हम लोग पैदल मार्च राम गुलाम चौक से लेकर के राजभवन तक हम लोग हजारों की संख्या में पैदल मार्च करेंगे, जिसमें अभी CAA देख रहे हैं आपने कि जो CAA लागू किया गया है और बिहार में जो है आप चमकी बुखार में जो लोग मारे गए हैं स्वास्थ्य के लापरवाही से, जिसकी नीतीश कुमार कोई जिम्मेदारी नहीं लिए, बाढ़ में जो सैकड़ों लोग पीड़ित हुए, हॉस्पिटल में इलाज नहीं उसका हुआ, उसकी वजह से लापरवाही से, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से मौतें हुई हैं। और हम लोग जो हिंदुस्तान में गरीब अमीर, हम लोग यही जानते हैं कि एक अमीर है और गरीब है, लेकिन जो देश के नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम कड़े में जुटे हुए हैं। इसके खिलाफ हम लोग जो है 30 मुद्दा को लेकर के कल हम लोग राम गुलाम चौक से लेकर के पैदल मार्च हम लोग राजभवन तक करेंगे और काफ़ी संख्या में हमारे साथ बहुत से सारे लोग जो है पैदल मार्च में शरीक हो रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।